वेलकम टू आर न्यू वीडियो। पहले इस साइड का हम लोग ने जब टूर किया था तो वो एक नॉर्मल टूर था जिसमें ऑलरेडी सिविल का काम चालू था या फिर इलेक्ट्रिकल का काम आपने देखा होगा। नाउ अभी आप साइड पे देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो वार्डरोब, यहाँ पे कंप्लीट वार्डरोब बन चुका है, उस पर लैमिनेट्स लगना बाकी है, बेड बन चुका है, साइड टेबल्स रेडी है। सो आज हम इस वीडियो में कुछ जो हम लोग ने इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें जो नया कुछ करने का ट्राई किया है, सो वो सब चीज़ें हम लोग आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मास्टर बेडरूम, बाद में हम लोग लिविंग रूम भी देखने वाले हैं। सो जैसे मास्टर बेडरूम में आप देखोगे एंट्रेंस के बाद ही यहाँ पे कंप्लीट 6 फीट का वार्डरोब आ रहा है, जो कि ऊपर आप देख सकते हो हाइड्रोलिक्स के लिए सेक्शन है, नीचे जो नॉर्मल वार्डरोब का सेक्शन है। यहाँ पे जो कलर थीम है वो काइंड ऑफ सोफेस्टिकेटेड कलर थीम है, लाइक जस्ट टोन ऑफ बेज कलर एंड डार्क वुडन शेप, वुडन टेक्सचर लैमिनेट हम लोग ने यहाँ पे दो कलर में प्ले आउट किया है। वो हम लोग तो आने वाले वीडियोस में देखने वाले कि किस तरह से कौन सा फिनिशिंग होने वाला है। सो वार्डरोब के बाद यहाँ पे अभी आप बेड देख सकते हो। अभी इसमें एक मतलब यहाँ पे डिफरेंट ये चीज़ है, जैसे कि यूजुअली अपन देखते हैं अगर वैसे कोई भी बेड के पीछे कॉलम का सेक्शन आता है, मतलब कॉलम आता है, तो मोस्टली पीपल प्रेफर करते हैं कि उसको पैक करें, एक कंटिन्यूटी वॉल दिखाए, कंटिन्यूएशन में वॉल दिखाए, फिर उसके ऊपर पैनलिंग हो सकता है या फिर नॉर्मल वॉल का उसको एक ट्रीटमेंट किया जाता है। बट यहाँ पे हम लोग ने इसको लेज दिया है। नाउ दिस लेज वी हैव क्रिएटेड विच इज़ विद डेप, सो एक पर्टिकुलर डीप हम लोग ने यहाँ पे रखा है ताकि कुछ भी सामान यहाँ पे रख सके। और वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि राउंड पैटर्न किया है ताकि लगे ना। एंड सेकेंड थिंग, इस घर में हम लोग ने एक पैटर्न को कैरी फॉरवर्ड किया है, सब जितने भी जैसे कि बीम हो या फिर पेलमेट हो तो उसमें एक कर्वी शेप हम लोग ने क्रिएट किया है। बाकी सब लैमिनेट्स में एज सच नॉर्मल है, बट इन शेप वाइज जैसे कि ये राउंड शेप जो हल्का सा कर्वी सॉफ्टनेस है वो हम लोग ने यहाँ पे दिया। जैसे कि अभी ये स्पेस मैं आपको दिखाती हूँ, ये अपना जो नॉर्मल बॉटल है वो अंदर रखते हैं तो वो कुछ इस हाइट तक हाइड होता है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ स्टोरेज जिसमें मतलब कुछ भी रखना हो तो वो हाइड भी हो सके, वो मेस ना दिखे। एंड कुछ आर्टिफैक्ट जैसे कि वहाँ पे बड़े फ्रेम्स वगैरह वो सब डायरेक्टली प्लेस होके एक वॉल कोलाज भी अच्छे से यहाँ पे बन सकता है विद इन दैट लेज। सो यहाँ पे हम लोग ने ये एक डिफरेंट आइडिया यूज़ किया। अदरवाइज आप पीछे जो हेडबोर्ड है वो देख सकते हो, ये यहाँ पे फोमिंग आने वाला है, उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस छोड़ा है। अदरवाइज ये फ्रेमिंग सब लैमिनेट में फिनिश होने वाला है। वन साइड टेबल जिसमें ये दो यहाँ पे ड्रॉवर्स हैं, और वो अदर साइड में आप देख सकते हो वहाँ पे हम लोग ने दो ड्रॉवर्स ही रखे बट हॉरिजॉन्टल शेप में, और नीचे ओपन शेल्फ रखा है ताकि जो ओपन शेल्फ है वो कुछ भी ओपन जैसे कि बुक रीड करने के लिए या फिर ऐसे ही यहाँ पे बैठ के अगर काम करते तो लैपटॉप क्विकली वहाँ पे रखने के लिए शेल्फ का प्रोविजन दिया है। अदरवाइज उसी वॉल पे मिरर आने वाला है। सो यस, अभी तक फर्नीचर में ये इतना था मास्टर बेडरूम में। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मोस्टली सिविल का काम चालू था, सो वैसे ही ये वॉशरूम का भी काम चालू था। नाउ ये वॉशरूम कम्प्लीटली फिनिश है, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग ने वुडन एंड कंक्रीट जो स्टोन टेक्सचर रहता है उसका कॉम्बिनेशन लिया। सो ये जो वुडन है वो काइंड ऑफ लैमिनेट्स का, जो लैमिनेट में वुडन शेड है उसके साथ मैच है। सो वो सब कॉम्बिनेशंस वर्कआउट करके अभी फाइनल आउटपुट हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। नाउ सामने ही किचन है, किचन में अभी बहुत ज़्यादा मेस है बट स्टिल आई कैन एक्सप्लेन यू दैट यहाँ पे सिर्फ सिंगल प्लेटफॉर्म बनने वाला था, तो जो भी किचन का ट्रॉलीज का पोजीशन है, प्लेसमेंट है, वो सब ऑलरेडी बना हुआ है। वहाँ पे दोनों तरफ से भी ओवरहेड स्टोरेज आने वाला है और ऊपर यहाँ पे लॉफ्ट बनने वाला है। सो दैट्स इट। नाउ जैसे लिविंग रूम में आते हैं तो अभी मैं मेन एंट्रेंस के यहाँ पे खड़ी हूँ। सो
आप देख सकते हो बेसिक जो फ्रेमिंग रहता है या फिर सेफ्टी डोर यहाँ पे बन के रेडी है, बट इसमें लैमिनेट्स लगाना बाकी है। सो साइड वॉल पे आप देख सकते हो ये वॉल कम्प्लीटली डेडिकेट है एक कंसोल्ड हाइट में शू रैक के लिए। सो इस पे हम लोग फ्लूटेड लैमिनेट यूज़ करने वाले हैं विच विल बी इन पेस्टल और सेज ग्रीन कलर विद सेम वुडन के साथ कॉम्बिनेशन रहने वाला है। सो ये भी जब फिनिशिंग वीडियो आएंगे तब हम लोग देखेंगे। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज टीवी यूनिट। मोस्टली हम लोग देखते हैं टीवी यूनिट बनता है तो पीछे पैनलिंग होता है, हैवी पैनलिंग होता है, या फिर टीवी यूनिट बल्कि बनता है बहुत मतलब उसमें स्टोरेज स्पेस या फिर झाजी लैमिनेट के साथ उसको प्ले अराउंड किया जाता है। नाउ दिस टीवी यूनिट इज़ काइंड ऑफ स्लिक यू कैन से बिकॉज ये 6 feet by 1 feet बाय हाइट वाइज 1 feet। सो ये एक स्लिक टीवी यूनिट आप इसे कह सकते हो जिसमें हम लोग ने साइड में शटर का प्रोविजन दिया है, मिडिल सेक्शन ओपन है एंड दिस सेक्शन इज़ हाफ ओपन एंड हाफ ड्रॉवर। एंड दिस वॉल इस वॉल पे पूरा मोल्डिंग आने वाला है बट हाफ सेक्शन में, जैसे कि नीचे मोल्डिंग्स नहीं आएंगे ऊपर मोल्डिंग्स आएंगे और सेम वैसे मोल्डिंग्स हम लोग टीवी यूनिट पे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। सो यस, वो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे सिर्फ मोल्डिंग के लिए। नाउ ये जो अभी मैंने डिटेल शेयर किया जैसे कि बेडरूम में जो हम लोग ने लेज का कंसेप्ट लिया है, सो ये आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।